अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी स्मेरा अरसलान। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर जीरो मीटर व्लॉग। और ये है जी व्लॉग शॉपिंग हॉल, ग्रोसरी शॉपिंग हॉल पार्ट टू। तो जो मेरी अम्मी की तरफ से मैं कैसे ईदी आई थी, तो उससे मैंने क्या ग्रोसरी शॉपिंग की, तो वो मैं दिखाने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है बैकग्राउंड को जरूर शोर से इग्नोर। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट के भाई, मीठी ईद आ रही है तो मीठी सेवियाँ तो बनती हैं हर घर में। यहाँ हैं जी बेक पार्लर की रंगीन सेवियाँ, जो कि मैं बनाती हूँ कस्टर्ड में। और अगर आप में से कोई मेरी रेसिपी देखना चाहता है तो मेरे चैनल पर अपलोड हुई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और भाई मैके की ईदी है तो मैके वाली वाइब्स लानी ज़रूरी थी, तो नेशनल की रवायती सेवियाँ भी मैंने ले ली। तो यहाँ है जी ये स्पेगेटी, क्योंकि मैं पास्ते की बहुत शौकीन हूँ। आई लव 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 पास्ता, तो सबको ही पसंद होगा है ना। तो ये है जी शंग्रीला का केचप और शंग्रीला की चिली गार्लिक सॉस। तो मुझे तो भाई दोनों ही फ्लेवर चाहिए होते हैं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कौन सी कंपनी की केचप ज़्यादा पसंद है। तो मुझे तो जो है शंग्रीला की पसंद है। यहाँ आ जाता है जी रफान का कस्टर्ड वनीला फ्लेवर और चाट मसाला। तो चाट मसाला तो जितना हो उतना ही कम है। तो अब आ जाते हैं जी मिचल्स के स्वीट कॉर्न्स की तरफ। तो बहुत सारी फ्राइड आइटम्स हैं जो हम स्टोर करके रखते हैं, उसमें मेरी तरफ से जो है मैं ये ऐड करती हूँ कॉर्न्स। और अगर आप लोग रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों से अपनी प्रिपरेशन शेयर कर सकूँ। कस्तूरी मेथी जो कि जाती है पकौड़ों में, और ऑयल, ऑयल तो भाई डबल ट्रिपल लगता है रमज़ान में, तो एक पाउच और तो लेना बनता था। तो अब आ जाते हैं जी यहाँ चने की दाल है। ओब्वियसली बात है, सबको पता होगा शामी कबाब में जाती है जी चने की दाल। तो आज मैंने बड़ी कोशिश की व्लॉग को लंबा ना खींचूं, शॉर्ट शॉर्ट और टू दी पॉइंट बात करूं, ताकि आप लोग बोर ना हो और मेरे व्लॉग को करें इंजॉय। और ये है जी बेसन, क्योंकि पकौड़े तो मस्त हैं और मेरा गुजारा नहीं होता पकौड़ों के बगैर। इमली, इमली की चटनी, और साथ में जी है ये ब्लैक चने, अ हेल्दी ऑप्शन के चनों की चाट बना के खाई जाए रमज़ान में। और यहाँ है जी वाइट चने, चना चाट फॉर दही बल्ले, फॉर चना पलाव। तो ये चीज़ें जो है पहले से बॉयल करके बंदा रख ले तो बड़ी आसानी हो जाती है अफ्तारी के लिए। बट वेट, अभी नहीं ख़त्म हुई ग्रोसरी हॉल। ये दो चीज़ें एक और हैं आगे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, तो वो ये रह गई थी और मैं बाद में लेकर आई हूँ। तो ये है जी मोज़रेला चीज़, और साथ में है जी ब्रेड क्रम्स, क्योंकि फ्राइड आइटम्स की जो है बेसिक नीड है, तो ये मैं ले आई थी बाद में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पार्ट वन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।